हेलो फ्रेंड्स, सहारा के निवेशकों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 से 16 दिनों से जो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे अपने रिफंड के लिए, वो रिफंड अब आपके खाते में आने लगा है। कल केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रिफंड की कुछ राशि कुछ निवेशकों के खाते में जमा की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सहारा के निवेशक हैं और काफी समय से आपका पैसा सहारा में फंसा हुआ है, तब यह खुशखबरी आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आते हैं इस पूरी खबर पर। कल केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा के कुल 112 निवेशकों के खाते में 10,000 रुपए रिफंड किए। दोस्तों, इस रिफंड को लेकर अमित शाह ने कहा कि यह अभी शुरुआती दौर है, आने वाले दिनों में धीरे धीरे सभी निवेशकों के पैसों को वापस किया जाएगा। पहले दोस्तों, हम लोग विस्तार से बात करते हैं कि यह खबर है क्या। सहारा समूह की समितियों में निवेशकों के वर्षों से फंसी मोटी रकम की वापसी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में पहले चरण में 112 निवेशकों के खाते में 10,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पाई पाई लौटेगी निवेशकों के फंसे पैसों की वापसी के लिए। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक कुल 33 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। सहारा की चार सहकारी समितियों में करीब 10 करोड़ निवेशकों की रकम फंसी हुई है। अमित शाह ने कहा कि आज 10,000 रुपए जमा करने वाले 112 निवेशकों के भुगतान किया जा रहा है। आने वाले समय में सबके पैसे लौटाए जाएंगे। प्रथम चरण के विश्लेषण के आधार पर दावों के सत्यापन एवं त्वरित जांच के लिए न्याय मित्र की मदद से संचालन प्रक्रिया बनाई जा रही है। तो दोस्तों, ये जो खबर है इसमें गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से कही गई है कि कुल 112 निवेशकों के को 10,000 रुपए अभी रिफंड किए गए। तो बीच में जहां कुछ चैनलों ने यह खबर चलाई थी कि निवेशकों को 10,000 से ज्यादा मिलेंगे, तब यह साबित हो गया कि अभी फिलहाल प्रथम चरण में मैक्सिमम 10,000 रुपए तक ही उनको रिफंड किए जाएंगे। अभी शुरुआत में जहां 112 लोगों को अभी रिफंड कल मिला है और बात की जा रही थी कि 45 दिनों के अंतर्गत होगा, तब यह काफी पहले इसका भुगतान किया जाना यह दिखाता है कि सरकार आने वाले चुनावी माहौल को देखते हुए जल्द से जल्द सहारा के निवेशकों को कुछ ना कुछ रिफंड करना चाहती है। आपको मैं बता दूं कि सन 2015 में ही सहारा कंपनी के लाइसेंस, जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का उसका लाइसेंस था, उसको आरबीआई ने सन 2015 में ही उसको खत्म कर दिया था, रद्द कर दिया था। लेकिन इसकी सूचना ना तो किसी बड़े अखबार में दी गई, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से इसकी सूचना दी गई, ना आरबीआई की तरफ से और ना ही सहारा की तरफ से। क्योंकि जब तक जमाकर्ताओं को इसकी सूचना नहीं थी, बहुत से जमाकर्ता अभी हाल तक सहारा में अपना पैसा निवेश कर रहे थे। अब जबकि यह खबर छनकर आ गई है कि 2015 में ही, जब मोदी सरकार 2014 में बनी थी, मोदी सरकार के बनने के कुछ महीनों के बाद ही आरबीआई ने सहारा को वित्तीय अनियमितता के आरोप में उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया था। अगर सरकार ने 2015 में ही विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी सूचनाएं प्रकाशित की होती, तब शायद बहुत सारे करोड़ों निवेशकों के पैसे नहीं फंसे होते। लेकिन सरकार की अदूरदर्शी नीति या फिर सरकार का जो भी रवैया रहे, उसके चलते बहुत से निवेशकों का पैसा अभी तक फंसा हुआ है। और जिस तरह से अभी सिर्फ 10,000 रुपये देने की शुरुआत हुई है, तो ऐसे देख कर लगता है कि आने वाले
कितने वर्षों में निवेशकों का पैसा मिलेगा कहना मुश्किल है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यह अभी जो रिफंड किया जा रहा है यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया होता तो शायद यह रिफंड भी सरकार नहीं करती। तो दोस्तों, कम से कम शुरुआत तो हो गई है, तब आप लोग जो निवेश करता है जिनकी पूंजी फंसी हुई है तो आप लोग इंतजार कीजिए कि आपकी बारी कब आएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो सहारा रिफंड पोर्टल पर किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करें इसका सारा वीडियो मैंने अपने दूसरे अन्य वीडियो में डाला हुआ है, इसका ट्यूटोरियल भी डाला हुआ है, आप लोग मेरे उन वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के जो सवाल हैं, बहुत सारा वीडियो मैंने सहारा के निवेशकर्ताओं के सवालों को लेकर भी बनाया है, आप उन वीडियो पर जाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। मसलन कि क्यूशॉप वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिनके नाम में गड़बड़ी है वो क्या करें, या फिर जिन्होंने गलत फॉर्म अप्लाई कर दिया है, सबमिट कर दिया है, उनको क्या करना है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों का मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में जवाब दिया है, आप जाकर उनका देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में लाइव ट्यूटोरियल भी दिखाया है कि आप इसको किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, यह खुशखबरी आपके लिए है कि चलिए कम से कम कुछ शुरुआत तो हुई। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि बाकी निवेशकों को भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।